छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन यहाँ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के प्रदेश प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे यहाँ चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने राहुल के आगमन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस भवन में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीतापुर में किसान सम्मेलन, पेंड्रा में आदिवासी सम्मेलन, दुर्ग और बिलासपुर में कांग्रेस के बूथ स्तर के संकल्प शिविर में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ रायपुर में पंचायती राज विभाग का क्षेत्रीय सम्मेलन, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के पंचायती राज संगठन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस प्रकार इन 4 कार्यक्रमों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए, स्थल चयन एवं अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक 9 मई को सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन रायपुर में आयोजित की गई है। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणित For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.